हेलो दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, तो आज हम उसी के बारे में मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप नोड जेएस एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस पोर्ट में यहाँ पे आपका सर्वर स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं आपको एक्सप्रेस जो है लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा और एक ऐप क्रिएट करना पड़ेगा मंगूज। अगर आप मंगूज लाइब्रेरी यूज करना चाहते हैं तो भी बेटर होगा, वो भी आप कर सकते हैं। तो दोनों के केसेस में क्या होगा कि आपको बेसिकली एक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है जो कि ऐप डॉट लिसन और ये पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल करके उसमें स्टोर कर दिया। आप अगर चाहें तो कोई भी पोर्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको सर्वर स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं क्या किया, नोड ऐप देख सकते हैं ऐप डॉट जेस। तो नोड ऐप डॉट जेस करने से ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। जो जो भी मैं लॉ कंसोल डॉट लॉग किया था वो यहाँ पे एपियर हो गया। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सर्वर रनिंग एट पोर्ट समथिंग, सर्वर रनिंग एट पोर्ट यहाँ पे एपियर हो गया। ये कुछ डेप्रिकेशन वार्निंग है जो कि कुछ वार्निंग शो कर रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे उसको करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मंगूस का जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे एक्सेस करके मंगो डीबी को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये कोड है मंगो डीबी को कनेक्ट करने के लिए, सिंपल है। अब क्या होता है कि जब हम राउट एक्सेस करते हैं, राउट मतलब क्या, जब हम यूआरएल में राउट मीन्स नेविगेट करते हैं, सपोज दैट स्लैश स्लैश रहेगा तो हमारा इंडेक्स राउट काम करेगा। मैं इनवेट यहाँ पे जो है इंडेक्स राउट को जो है एक राउट फाइल है जो कि मैं रिक्वायर करके इंक्लूड किया हूँ और उसको यहाँ पे रेफर किया हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्लोजर फंक्शन भी मैं लिख सकता था, लाइक फंक्शन, उसमें जो पैरामीटर होते हैं रिक्वेस्ट, ये सब भी भेजकर मैं इसको यूज कर सकता था। बट यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, सिंपल करने के लिए मैं क्या किया हूँ, इसको डिवाइड कर दिया हूँ ताकि एप्लीकेशन बिगर अगर हो तो स्केल इजीली हम एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको ऐसा किए हैं, सिंपल है। तो बेसिकली इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, अगर हम यूआरएल हिट करेंगे तो ये होगा, ठीक है। अब ये तो सही है, अब चलिए उसमें हम जाकर देख लेते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप डीबग कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है, सपोज दैट कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम करना है कि राउट राउट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो राउट को एक्सेस करने के लिए यूआरएल में एक्सेस कीजिए, राइट। यूआरएल में यहाँ पे स्लैश, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे डालकर एक्सेस कर सकता हूँ गेट राउट को। बट बेटर ये होगा कि आप पोस्टमैन यूज कर लीजिए, पोस्टमैन इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप बेसिकली एपीआई अगर बना रहे हैं तो उसमें आपको पोस्टमैन इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये पोस्टमैन एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें इंस्टॉल करके रन करके चेक कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन आ जाता है कि गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट पुट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, डिलीट है, तो जो भी रिक्वेस्ट है वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि अगर आप गेट रिक्वेस्ट है तो गेट रिक्वेस्ट के केस में आपको एक्सेस कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसके अंदर पेज कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए सपोज दैट पोस्ट राउट में जाकर देखते हैं, तो देख सकते हैं ये पोस्ट राउट है, राइट। उसके बाद स्लैश का मतलब क्या हुआ, स्लैश का मतलब ये हो गया कि पोस्ट के बाद स्लैश, राइट, पोस्ट के बाद स्लैश, उसी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, जो कि वहाँ पे इंपोर्ट किया गया है उसको, और यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होता है बेसिकली। ये एक बेसिक चीज़ है, मुझे आशा है कि आपको पता होगा। तो उसके बाद इस कोड में आप कंसोल डालकर चेक कीजिए कि ये काम कर रहा है प्रॉपरली और नॉट। जब भी आप इसमें कुछ भी करते हैं तो आपको ये सर्वर स्टार्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेसिकली बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है, इसमें चेंज कर दिए और राउट में एक्सेस करेंगे तो काम ही नहीं कर रहा है।
ऐसा बहुत लोगों का होता है, इसमें करके राउट एक्सेस कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है, उनको लगता है कोड में प्रॉब्लम है। जी नहीं, आपको सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मे बी नोड मोन यूज कर सकते हैं, नोड मोन जो कि जब भी आप कोड को सेव कीजिएगा तो ऐटोमेटिकली आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, अपडेटेड कोड के साथ जो है सर्वर स्टार्ट रहता है। बट अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं नोड मोन तो आपको इंडिविजुअली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी चेंजेस करते हैं इस पेज में, सर्वर को स्टार्ट कीजिए एंड देन यूआरएल को हिट कीजिए। जब यूआरएल को हिट कीजिएगा, मीन्स यूआरएल मतलब क्या, राउट, जो राउट को हिट कीजिएगा। सपोज एट फॉर्म है, तो फॉर्म में क्या होता है कि फॉर्म में मेथड आप पोस्ट लिख सकते हैं, पोस्ट मेथड के केस में यहाँ पे गेट की जगह पे पोस्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी URL होगा उसमें जो सपोज सेव करना चाहते हैं फॉर्म को, तो डेफिनेटली सेव कर सकते हैं। उसमें जो है रिक्वेस्ट बॉडी करके आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो भी इनपुट फील्ड्स हैं उसको फील्ड को आप सेव कर सकते हैं। उसको कंसोल करके देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले इसमें कंसोल करके देखिए, हाय कंसोल कीजिए, वो प्रिंट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है यानी कि इसके अंदर आ रहा है। अब बेसिकली इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो डेटा आप वहाँ पे सेंड कर रहे हैं पोस्ट मेथड से, उसको यहाँ पे कंसोल करके चेक कीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है अगर आप डिबग करना चाहते हैं और अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ऐसे करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, और हम हर वीडियो का जो पोस्ट होता है, कमेंट होता है, उसका मैं रिप्लाई करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो जब कोई भी चेंजेस करते हैं सर्वर स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे सब एक मैं पोस्ट वाला दिखा देता हूँ। तो मैं एक एक्चुअल में एक एपीआई बनाया था एक अलग प्रोजेक्ट का, उसमें मैं एक दिखा देता हूँ। तो सपोज ये पोस्ट मेथड ये कॉल हुआ, तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करने के बाद उस सारे इनपुट फील्ड को अब मैं कलेक्ट कर लिया, अब सारे वेरिएबल को ले लिया। अब उस सारे वेरिएबल में वैल्यू आ रहा है कि नहीं, उसके लिए हमको कंसोल डालकर मुझे कंसोल नेम कंसोल कंसोल डॉट लॉग नेम मुझे डालकर चेक करना पड़ेगा कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। उसको करने के लिए और करने के बाद जो है हमको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, देन यूआरएल को हिट करना पड़ेगा। कैसे, आप अगर पोस्टमैन यूज कर रहे हैं तो पोस्टमैन से कीजिए, नहीं तो अगर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो फॉर्म को सबमिट कीजिए। तो डेफिनेटली ये हिट हो जाएगा, ये हिट होगा तो एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंसोल हुआ कि नहीं। उसके बाद जो है अगर डेटा अगर आ गया तो आपको कुछ लिखना होता है सेव करने के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सेव करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे देख सकते हैं एक इंस्टेंस क्रिएट किया गया है। बेसिकली एक यहाँ पे मंगो डीबी मंगूज लाइब्रेरी यूज किया गया है, तो मंगूज लाइब्रेरी में एक मॉडल बनाया गया है, उस मॉडल को एक्सेस करके उसका इंस्टेंस क्रिएट करके और ये सेव किया गया है। आपके केस में मे बी आप मंगो डीबी का ड्राइवर यूज कर रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा अलग होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा कोड। एंड अगर आप मंगूज यूज कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज एट यहाँ पे सारा गेट है, ये देखिए अपडेट के लिए, अपडेट के लिए यहाँ पे ये इसमें बहुत सारा चीज़ है। एक्चुअली पासवर्ड अपडेट के केस में बहुत सारे चीज़ को यहाँ पे कंपेयर करना पड़ता है कि करेक्ट पासवर्ड है कि नहीं, उसका लॉजिक है बेसिकली यहाँ पे। तो बट उसको अपडेट करने के लिए जो सिंपल सा कोड है वो ये है कि यूज़र फाइंड वन एंड अपडेट, और यहाँ पे कंडीशन, जो भी कंडीशन आप डालना चाहते हैं तो कंडीशन जो है लगा सकते हैं, डायरेक्टली इसको भी पेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये दोनों कोड मिल जाएगा। तो मुझे मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा, और इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं स्काइप में, आप स्काइप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है आप कमेंट में पेस्ट नहीं कर सकते, मीन्स आप अपने एरर को वहाँ पे नहीं डाल सकते, कोड को नहीं दिखा सकते, या फिर फोटो को आप अटैच नहीं कर सकते। तो उस केस में मैं आपको स्काइप का आईडी में दे दिया हूँ, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं नोड जेएस का कंप्लीट सीरीज में बताने वाला हूँ। ये शॉर्ट मैं शॉर्ट में आपको बता दिया कि कैसे आप यूज कर सकते हैं नोड जेएस एक्सप्रेस एंड जो है नोड मंगो डीबी को। ठीक है,
तो ये बेसिक जानकारी था, मैं जस्ट आपको बताया कि अगर आप सीख रहे हैं तो कैसे डीबग कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट आप चेक कीजिए, कंसोल डालकर चेक कीजिए, अगर इसके अंदर नहीं होता है तो डेफिनेटली ये आपका काम ही नहीं कर रहा है, राइट। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका सर्वर स्टार्ट है या नहीं, लेटेस्ट कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। उसके बाद राउट को जब हिट कर रहे हैं तो ये हिट हो रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।